अरे ओ गोबलिन, जल्दी देख, एडिट लेआउट को ऑप्शन निकाल दिया। हाँ क्या बात कर रहा है देख, जल्दी देख। गुरु, पता लगाओ पता लगाओ। कुछ तो गड़बड़ है गुरु, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ भाई पता लगा देता हूँ, रुक 2 मिनट। हाय गाइस, सीओ सी गुरु के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और मैं गुरु आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हूँ गाइस। सो आज मैं आपके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ गाइस। सो बेसिकली वो न्यूज़ है हमारे गेम के रिलेटेड ही है। सो उसमें हुआ क्या कि भाई जो यहाँ पर जो एडिट लेआउट का ऑप्शन तो हमें तो दिख रहा है बट जापान के प्लेयर को नहीं दिख रहा। तो आप बोलोगे कैसे, तो अगर आप लोग लैंग्वेज में जाओगे उसके बाद यहाँ पर जो ये लैंग्वेज है ये उसको सिलेक्ट करोगे आप, तो जैसे ही देखो ये मैं ये लैंग्वेज को सिलेक्ट करता हूँ उसके बाद गेम लोडिंग होगी। एंड जैसे ही आप लोग वो जापान की लैंग्वेज है देख लीजिए, नीचे यहाँ पर जापानीज लिख कर आ चुका है। तो ये जो जापान की लैंग्वेज है तो उसमें आपको यहाँ पर देख लीजिए एडिट लेआउट का ऑप्शन नहीं रहा। ऐसा पहले नहीं होता था, अगर आप पहले जाते थे कोई भी लैंग्वेज में जाओ आपको एडिट लेआउट का ऑप्शन मिल जाता था, बट ये जो जापानीज लैंग्वेज है उसमें नहीं रहा। तो हुआ क्या है, तो गाइस सुपरसेल को एक कंपनी ने सुपरसेल के खिलाफ केस कर दिया है जापान में। तो जापान की एक कंपनी है जिसका नाम है ग्री, तो उसने केस कर दिया है पेटेंट का। तो ये जो एडिट लेआउट की जो ये पूरा बॉक्स है उसका, तो उन्होंने बोला कि भाई इसका हमारे पास पेटेंट ऑलरेडी है। तो सुपरसेल के ऊपर उन्होंने केस कर दिया, सू कर दिया, मतलब कि इशू फाइल कर दिया कि भाई इन्होंने हमारी कॉपीराइट चीज़ यूज़ की है। तो केस फाइल कर दिया, तो उसमें जो जापान की कंपनी थी ग्री करके वो जीत गई है। एंड तो सुपरसेल को ये जो एडिट लेआउट का ऑप्शन है वो जापानीज प्लेयर के लिए निकालना पड़ा है गाइस। अभी तो यहाँ पर हम लोगों को मिल सकता है बट अगर मैंने आपको बोला ऐसे लैंग्वेज चेंज करके जाओगे आप वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर एडिट लेआउट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। मतलब कि वहाँ पर जो वो केस था जो जापानीज कंपनी ने फाइल किया है वो जीत गई है। तो वो जो वो भी एक गेमिंग की कंपनी है, तो उन्होंने फाइल किया और वो जीत गई। तो अभी सुपरसेल हार गई तो उनको निकालना पड़ा। अभी बातचीत चल रही है कि भाई क्या होगा, वापस आएगा नहीं आएगा, बिकॉज ये जो एडिट लेआउट का ऑप्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी वो जापानीज प्लेयर है उनके लिए उनको 3 ही बेस, मेन बेस, वॉर बेस एंड बिल्डर बेस, बस ये 3 ही बेस, वो कुछ भी उसमें एडिट नहीं कर सकते। अगर करना है तो ऐसे ऐसे यहाँ पर सब कुछ हिला हिला का करना पड़ेगा डायरेक्टली, जो एडिट लेआउट में जाकर हम लोग रिमूव ऑल करते थे एंड आराम से हम लोग वॉल को हम लोग सेट करते तो वो नहीं कर सकेंगे। सो प्रॉब्लम क्या आएगी, जो नया TH है उनको प्रॉब्लम आएगी, वो नई नई चीज लेंगे। अब मैं TH 10 में जाऊँगा तो उसका बेस मुझे बनाना ही पड़ेगा, वॉर बेस भी बनाना पड़ेगा नया, तो वो लोग नहीं बना सकते। तो सुपरसेल अभी बहुत ही मतलब कि बहुत ही ट्राई कर रही है जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बिकॉज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई अगर आप जितने भी देख रहे हो, अगर आप अभी देख रहे हो, अगर आपके साथ हो ऐसा एडिट लेआउट का ऑप्शन चला जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडिट लेआउट का ऑप्शन हमारे पास, अगर जो नए TH में आएगा उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज नए TH में आकर बहुत सारे लोग अपना बेस चेंज करते हैं या 1 वीक के अंदर अंदर। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई अगर आप देख रहे हो तो अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपका क्या रिएक्शन होगा कि भाई अगर ये एडिट लेआउट का ऑप्शन निकल जाए। तो ये थी आपकी आज की वीडियो गाइस, बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है एंड बहुत ही तगड़ी न्यूज़ है। वो भी गाइस आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आ रहे हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, बिकॉज मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड अपडेट न्यूज़ के बारे में वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहो, खेलते रहिए द क्लैश ऑफ क्लैंस।